ये घटना 2011 में यूनाइटेड किंगडम के एक छोटे से शहर हेल में घटी थी। टीना नाश एक 32 साल की महिला थी जो अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। टीना के दोनों बच्चे उसके दो हस्बैंड से थे जिनसे टीना का डिवोर्स हो चुका था। सन 2009 में टीना नाइट क्लब में शेन जेनकिंस नाम के एक आदमी से मिली। टीना शेन से कुछ साल पहले भी मिली थी, पर उस समय उसकी एक दोस्त ने कहा कि उसे शेन से दूर रहना चाहिए क्योंकि वो एक साइकोपैथ है और वो जेल भी जा चुका है क्योंकि उसने एक आदमी के सिर पर पैरों से मार मार कर उसका ब्रेन डैमेज कर दिया था। टीना ने भी अपनी दोस्त की बात सुनी और शेन से दूरी बना ली। लेकिन जब टीना शेन से 2009 में दोबारा मिली तो टीना को वो काफी मैच्योर लगा। टीना को लगा कि शेन अब बदल गया है। दोनों ने अपने फोन नंबर्स एक्सचेंज कर लिए और दोनों की अब बातें होने लग गई और जल्द ही दोनों रिलेशनशिप में हो गए। टीना के मुताबिक शुरुआत के कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक चल रहा था। टीना ने अपने दोस्तों को बताया कि शेन उसका काफी ख्याल रखता है और वो उसके साथ सेफ महसूस करती है। लेकिन ये सब ज्यादा दिन तक नहीं चला। कुछ महीनों बाद शेन ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। वो बात बात पर गुस्सा हो जाता और टीना को मारने पीटने लगता, उसको गालियां देता और यहाँ तक कि उसके चेहरे पर थूक भी देता। टीना और शेन जब भी बार या फिर नाइट क्लब जाते तो शेन की किसी न किसी से लड़ाई हो जाती और वो मारपीट पर उतर आता। धीरे धीरे हालात और खराब हो गए। शेन टीना को उसके बच्चों के सामने भी मारने पीटने लग गया। एक बार उसने टीना को काफी मारा और फिर अपनी उंगलियों से टीना की आंखें निकालने की कोशिश करने लग गया क्योंकि टीना ने शेन को उसकी एक दोस्त के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था और उसकी दोस्त को वहां से जाने को कह दिया था। लेकिन टीना ने किसी तरह अपने आप को शेन से बचा लिया। रिलेशनशिप के 8 महीने बाद एक बार शेन ने टीना को इतनी बुरी तरीके से पीटा था कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। तब टीना ने पुलिस को सब कुछ बता दिया और पुलिस ने शेन को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन केस के कोर्ट में जाने से पहले शेन ने टीना से माफी मांगी और उसे कहा कि उसे एक और चांस दे दे, और टीना भी शेन की बातों में आ गई। टीना ने तब पुलिस से कहा कि उसने हॉस्पिटल में जो भी बयान दिया था वो झूठ था, उसे वो चोट सीढ़ियों से गिरने की वजह से लगी थी। और टीना ने पुलिस को बोला कि अब वो केस और बढ़ाना नहीं चाहती और उसे वापस लेना चाहती है। फिर शेन को छोड़ दिया गया। 20 अप्रैल 2011 की शाम को टीना, शेन और टीना के बच्चे साथ में बैठकर क्वालिटी टाइम बिता रहे थे। टीना को अब पुराना वाला शेन नजर आ रहा था। उसी रात करीब 10 बजे टीना अपने रूम में सोने की कोशिश कर रही थी तभी उसने शेन को अपने पड़ोसी से बात करते हुए सुना। शेन उस पड़ोसी से कह रहा था कि डॉक्टर ने उसे एक स्लीपिंग पिल प्रिस्क्राइब की है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ। शेन घर में वो दवाइयाँ लेने आया तो टीना अपने बेडरूम से निकल कर गई और उसने कहा कि ये दवाइयाँ उसे मत दो। शेन को इस बात पर गुस्सा आ गया और वो टीना को गालियाँ देने लग गया। टीना उसकी इस हरकतों से परेशान होकर अपने रूम में चली गई और सो गई। कुछ समय बाद टीना की नींद खुली। उसने उठने की कोशिश की पर वो उठ नहीं पा रही थी। उसने रूम में देखने की कोशिश की पर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने हाथ हिलाने की कोशिश की लेकिन उसके हाथ भी नहीं हिल रहे थे। शेन ने टीना को बहुत टाइटली उसके कंबल में रैप कर दिया था जिसकी वजह से वो हिल डुल नहीं पा रही थी। अचानक से शेन उसे कंबल के ऊपर से ही चोक करने लग गया जिसकी वजह से टीना बेहोश हो गई। कुछ समय बाद टीना को दोबारा होश आया और वो फिर से कंबल से निकलने की कोशिश करने लग गई। उसने चिल्लाने की कोशिश की लेकिन उसका गला डैमेज हो चुका था इसलिए वो केवल विस्पर कर पा रही थी। शेन को पता लग गया कि टीना को होश आ गया है और वो उसका गला फिर से दबाने लग गया और टीना फिर से बेहोश हो गई। टीना को जब फिर से होश आया तो उसे महसूस हुआ कि शेन अभी भी रूम में ही है। शेन उसे फिर से चोक करने के लिए बढ़ा लेकिन टीना किसी तरीके से बैठने में कामयाब हो गई और उसने बैठते ही शेन से कहा कि शेन मुझे माफ कर दो, आई लव यू। ये सुनकर शेन ने उस पर अटैक करना बंद कर दिया और उसे कंबल में से निकाला। टीना अब हिल डुल पा रही थी पर उसे अभी भी कुछ नहीं दिख रहा था। तब शेन ने टीना से कहा कि तुम्हारी आंखें तुम्हारे सिर से लटक रही हैं, अब तुम कभी भी अपने बच्चों को नहीं देख पाओगी। शेन की बात सुनकर टीना चौंक गई। वो धीरे धीरे अपने हाथ को अपने चेहरे के पास ले गई। टीना को अभी तक कोई भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था इसलिए उसे शेन की बात समझ में नहीं आ रही थी, पर जैसे ही उसका हाथ उसके गाल तक पहुंचा उसने महसूस किया कि उसकी आंखें सॉकेट से लटक रही थी। फिर वो अपने हाथ को दूसरी आंख के पास ले गई
और उसकी दूसरी आंख भी काफी बुरी तरीके से डैमेज थी। शेन ने फिर टीना से कहा कि ये सब तुम्हारी गलती है। टीना को लगा कि ये सब एक बुरा सपना है और उसने दोबारा अपने चेहरे को छुआ और उसे समझ में आ गया कि ये हकीकत है। वो अपने बच्चों को दोबारा नहीं देख पाएगी। टीना के बच्चे उस समय घर में ही थे। तब टीना ने शेन से कहा कि प्लीज मेरे बच्चों को कुछ मत करना। शेन ने तब टीना को उठाया और बाथरूम में ठंडे पानी से भरे बाथटब में फेंक दिया। टीना का सिर पानी में डूबा हुआ था और उसकी आंखों की नसें अब ठंडे पानी के डायरेक्ट कांटेक्ट में थी, जिसकी वजह से उसे अब दर्द महसूस होने लग गया। धीरे धीरे दर्द इतना बढ़ गया कि उसे वॉमिट होने लग गई। टीना ने शेन से मिन्नतें की कि उसे और बच्चों को जाने दे। टीना ने कहा कि वो पुलिस को बोल देगी कि उसके ऊपर किसी ने हमला कर दिया था, तुम्हारा नाम नहीं आएगा। पर शेन ने उससे कहा कि ये घर छोड़कर तुम नहीं जा सकती। शेन फिर टीना को वहीं छोड़कर चला गया। टीना को असहनीय दर्द हो रहा था, फिर भी वो किसी तरीके से बाथरूम से निकलकर नीचे गई तो उसने शेन की खर्राटे की आवाज सुनी। शेन सोफे पर ही सो रहा था। टीना को पता था कि किचन में एक हथौड़ा है। उसने सोचा कि वो किचन से हथौड़ा लाकर शेन पर हमला करे और बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जाए, लेकिन उसे इस बात पर डाउट था कि क्या वो ऐसा कर पाएगी जब उसे कुछ दिख ही नहीं रहा, और उसने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया और वहीं बैठकर रोने लग गई। रोते रोते वो अपनी नाक पोछ रही थी। वो जैसे जैसे नाक पोछती उसे कुछ गीला और धागे जैसी चीज महसूस होती। थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि जिसे वो म्यूकस समझकर पोछ रही है वो दरअसल में उसकी नसें हैं, और वो नसें अब उसके हाथ में थी। कुछ घंटों बाद सुबह 7 बजे शेन अपनी नींद से उठा। वो टीना के पास गया और उसके चेहरे से लटक रही आंखों को सहलाते हुए बोला कि ये सब तुम्हारी गलती है। काफी मिन्नतों के बाद शेन ने टीना को पॉल नाम के एक आदमी को कॉल करने की परमिशन दे दी। पॉल टीना का एक्स हस्बैंड था और उसके एक बच्चे का पिता भी। टीना की आवाज सुनते ही पॉल को महसूस हो गया कि कुछ बहुत ही बुरा हो चुका है टीना के साथ, और वो जल्द से जल्द टीना के घर पहुंचा। पॉल जैसे ही टीना के घर पहुंचा, शेन ने उससे बोला कि जब टीना घर आ रही थी तो 2 औरतों ने उस पर हमला कर दिया। पॉल पहले बच्चों के रूम में गया और बच्चों को लेकर टीना के बेडरूम में गया। तब पॉल ने देखा कि टीना बिना कपड़ों के अपने ही वॉमिट के बीच में पड़ी थी और उसकी दोनों आंखें चेहरे से लटक रही थी। टीना ने जैसे ही पॉल और बच्चों की आवाज सुनी वो अपने चेहरे को ढकने की कोशिश करने लगी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे उसे ऐसी हालत में देखें। और ऐसा करते समय उसकी एक आंख पूरी तरीके से निकलकर उसके हाथ में आ गई। पॉल ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और 12 घंटों के टॉर्चर के बाद टीना को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। डॉक्टर्स ने बताया कि अब उसकी आंखें ठीक नहीं हो सकती, मतलब टीना सच में अब अपने बच्चों को नहीं देख सकती थी। टीना ने डॉक्टर्स और पुलिस को बताया कि ये सब शेन ने किया है। पुलिस शेन को ढूंढने लग गई क्योंकि शेन फरार हो चुका था। पुलिस ने जरूरी सबूत भी इकट्ठे कर लिए थे। पुलिस ने पाया कि जिस बेड पर टीना लेटी हुई थी उस बेड के नीचे का पैनल भी टूटा था। शेन ने टीना की आंखों पर इतना प्रेशर लगाया था कि पैनल तक टूट गया था। टीना की आंखें ही नहीं बल्कि उसका जबड़ा और नाक भी पूरी तरीके से इंजर्ड थे। कुछ दिनों बाद पुलिस को शेन की लोकेशन का पता चल गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ट्रायल 10 मई 2012 से शुरू हुआ। शेन के वकील ने कहा कि शेन को मेंटल प्रॉब्लम है और जिस रात ये घटना हुई थी उस रात टीना ने ही लड़ाई शुरू की थी, और लड़ाई में एक्सीडेंटली शेन टीना के ऊपर गिर गया और टीना घायल हो गई और उसकी दोनों आंखें निकल गई। लेकिन जज को ये समझ में आ गया कि ये बनावटी कहानी है और शेन को उम्र कैद की सजा सुनाई। सजा के कुछ दिन बाद ही शेन ने अपील डाली जो कि रिजेक्ट हो गई, और इतने सालों में कई बार उसने पैरोल के लिए भी अपील की है जो कि रिजेक्ट हो चुकी है। अप्रैल 2022 में भी उसने पैरोल डाली थी पर वो भी रिजेक्ट हो गई। टीना ने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है आउट ऑफ द डार्कनेस। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर चैनल से रिलेटेड किसी भी तरीके का सुझाव या कंप्लेन हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।